एमपी में ऑक्सीजन घोटाले की सियासी गर्माहट अभी कम नहीं हुई है कि इस बीच जबलपुर सांसद राकेश सिंह के निशुल्क रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरण का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने ऑक्सीजन की तरह इंजेक्शन के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इंजेक्शन की खुलेआम कालाबाजारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज जी इसका साफ मतलब है कि सूबे में इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी लिखा कि आखिर ये लोग और कितना गिरेंगे। राकेश सिंह का उदाहरण भी है कि वह बाकायदा पर्चे के साथ, पंपलेट के साथ इंजेक्शन रेमडेसिविर को बांट रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि कहां से आए इनके पास इंजेक्शंस, कैसे इन्होंने मुहैया करा लिए, जब लोगों को दुगने तिगने चार गुने दामों पर ना किसी मेडिकल स्टोर में, ना किसी फार्मासिस्ट के पास, ना किसी डीलर के पास, ना किसी CNF एजेंट के पास नहीं मिल पा रहे हैं, तो इनके पास कहां से आ गए। सीधा सीधा ये कालाबाजारी कर रहे हैं। जबलपुर सांसद राकेश सिंह के पोस्टर पैम्पलेट वायरल होने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस कृत्य को ओछी मानसिकता करार देते हुए माफी मांगने की सलाह दी है। बीजेपी की ओर से मामले में साफ कहा गया कि सांसद निधि के जरिए 4000 से अधिक लोगों को इंजेक्शन निशुल्क मुहैया कराया गया। राकेश सिंह जी ने आज से 6 महीने पहले निर्णय लिया था कि वे सांसद निधि से रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कोरोना के लिए आवश्यक है वो खरीदेंगे और गरीबों में उसका वितरण होगा। आज किसी एक कार्यकर्ता के द्वारा एक बैनर लगा दिए जाने पर कांग्रेस बखेड़ा खड़ा कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ 155 इंजेक्शन यदि नकुलनाथ और माननीय कमलनाथ जी के द्वारा वितरित कर दिए गए तो ट्विटर के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन हमारे सांसद जी ने लगातार प्रयासों से 4.5 इंजेक्शन गरीबों को मुहैया करा दिए और एक किसी कार्यकर्ता ने बैनर लगा दिया तो उस पर टीका टिप्पणी की जा रही है, उस पर इनको आपत्ति हो रही है। महामारी के इस दौर में जहां PM से लेकर CM तक सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, विपक्ष और संगठन धर्मगुरुओं से सहयोग मांग रहे हैं, वहीं पार्टी नेता कोरोना पर काबू पाने की बजाय बयानबाजी में उलझे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।